So we are going to discuss the transition in plants and animals. ठीक है, हमारी बॉडी में यू नो देर आर मेनी सब्सटेंसेस दैट आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन पार्ट टू द अनदर पार्ट. ओके, तो कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर होती हैं या ट्रांसपोर्ट होती हैं? सेल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं. टेल मी द मटेरियल्स दैट आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट. ऑक्सीजन, फूड में आपके सारे आ जाते हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर कंटेंट. ओके, और बस आयंस, सॉरी एंथर. एंथर क्या? हम बॉडी की बात कर रहे हैं, फ्लावर की थोड़ा बात कर रहे हैं. ओके, आपकी बॉडी में ब्लड हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक्सचेंज होते हैं. और बेटा और क्या एक्सचेंज होता है बिटवीन द बॉडी पार्ट्स? वाटर लिखा मैंने, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, वाटर. वेस्ट भी जो है वो आपकी बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाके रिमूव नहीं होता. दैट मीन्स देयर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेस्ट ऑल्सो फ्रॉम योर बॉडी. Okay, now all these materials, the oxygen, food, carbon dioxide, nutrients, minerals, waste products, how they are moved? किस में ये डिसॉल्व करते हैं पहले ये बताओ. ब्लड में. ऑल दीज सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व्स इन ब्लड. सो दैट मीन्स हियर द ब्लड इज द मेन कॉम्पोनेंट which actually consists of or which is actually the part of your circulatory system. aise hai jo hamara blood hai that is the one important part of our circulatory system. through the blood the dissolved oxygen, carbon dioxide, water, minerals, they are being transported to the one part and from the another. Is that clear? So अब आपको समझ आ गया होगा कि transportation के chapter में हमने क्या system discuss करना है. We will be discussing in detail about the circulatory system of your body. Okay? अब उस circulatory system में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? We will be studying the structure of heart. How heart it pumps the blood, और heart में और क्या क्या चीजें आती हैं? We will be studying about the components of the blood. We will study about the arteries. We will study about the veins. Okay, and we will also study how the waste is being removed from your body also, and that is through which of the system? Waste removal system, excretory system. यानी कि अब हम इस chapter में दो systems पढ़ेंगे. One is in liquidy form. Okay. So since we have discussed that the blood is the one component that is involved in the system, so if we define blood. What blood is actually? Blood is a that that flows through the network of tube और उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? तो यानी कि जो ब्लड है वो आपके किस में से फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. ओके,
And you know this thing also that the blood is frequently pumped into your heart. ठीक है, जो आपका heart है वो blood की pumping करता है. Okay, and this is a lifelong process. जब तक आप एक person जो है वो he can live, तो उतने ही time तक जो उसका heart है वो pump करता रहता है blood को at each and every second. Okay, so next write down. We will be discussing in detail about the blood. आपने मुझे ये बताया कि ब्लड जो है वो फ्लूइड है, किस कलर का होता है? तो दिस फ्लूइड इज एक्चुअली रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. इसमें कौन से सेल्स होते हैं दैट एक्चुअली मेक द हेमोग्लोबिन? हाँ जी, ठीक है. एच बी होता है ना ये आपका, रेड ब्लड सेल्स जो है वो आपके एच बी होते हैं, हेमोग्लोबिन होता है. एक एडल्ट पर्सन में कितना ब्लड होता है बेटा? दैट इज 4.5 to 5.5 liters. अगर कहते हैं कि आपका जो ब्लड है वो कम है, दैट मीन्स यू आर हैविंग लेस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स. आपका एच बी कम है, कहते हैं ना एच बी जो है वो कम आया है, डैट मीन्स कि जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं वो क्या हैं? दे आर लेस इन नंबर. बाकी कौन कौन से होते हैं बेटा वो हम नेक्स्ट में पढ़ते वाले ब्लड की. हाँ जी, एक एवरेज एडल्ट पर्सन में कितना ब्लड होना चाहिए? डैट इज 4.5 to 5.5 liters. ओके, नाउ टेल मी द यूजेस ऑफ द ब्लड और फंक्शंस ऑफ ब्लड. हाँ जी, पहले ही बता चुकी हूँ मैं वैसे आपको. हाँ, मूवमेंट ऑफ ब्लड, मूवमेंट में हम पर्ड ही ट्रांसपोर्टेशन रहे हैं तो हम मूवमेंट में कैसे. इट हेल्प्स टू सर्कुलेट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड. फूड में न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स आ जाते हैं और वेस्ट, वेस्ट रिमूवल भी जो है वो ब्लड के थ्रू ही होता है. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा है ब्लड का, इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड. हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वॉटर टू ऑल बॉडी पार्ट्स. हाँ जी, और क्या करता है बेटा? वॉट एल्स ब्लड डू? एनर्जी फूड ही है. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. हाँ जी, तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है ऑक्सीजन? It helps in the transportation of the oxygen to lungs and carbon dioxide. Lungs to outside. ठीक है, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है वो लंग्स से बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में जाती है. ठीक है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स. And similarly, you can write down the point for carbon dioxide. Removal of the carbon dioxide from the all body parts to the lungs, or transportation of the carbon dioxide from the all body parts to the lungs. Clear, beta? Four बोले मैंने, carbon dioxide का अलग बोला.
transportation of the carbon dioxide from all body parts to lungs. Is that clear? फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है, वेस्ट का रिमूवल करवाता है और गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. हाँ जी क्लियर है. ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू लंग्स. जो चीज नहीं लिखी वही हजार बारी पूछनी है ना. आप पढ़ के आए हो लास्ट टाइम, आपको पता नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे जा रही है. ये पीछे रेस्पिरेशन का चार्ट भी लगा हुआ है आपके. जितना पिछला पढ़ा हम भूल रहे हैं साथ साथ में. चलिए आगे लिखो. डन, ये हो गया सारा. ओके लिसन नाउ. About the blood, we have studied that this is a fluid that flows through our body. About the blood, we have studied now that this is a fluid, एक liquid part है जो आपकी body में flow करता है. But क्या ये पूरा liquid है? No. इसमें और क्या होते हैं? There are cells that are present in the blood. Okay, there are different types of cells that are present in the blood. जैसे हमने एक example पढ़ी है RBCs की. Okay, RBCs. अच्छा एक चीज और पहले, जो आपका blood है that consists of, जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा बातें मत करो please. देवांग मैंने तेरे को बाहर निकाल देना, तुम्हारा ही शोर है पूरी क्लास में. आपका ब्लड जो है वो दो पार्ट से नजर आता है आपको. वैसे आपको मेजरली फ्लूइड पार्ट नजर आता है, जो लिक्विड पार्ट है वो ज्यादा नजर आता है ना आपको, ठीक है. बट अभी हमने बोला है कि इसमें सॉलिड पार्ट भी है और इसमें ओके. द लिक्विड पार्ट इज द ब्लड प्लाज्मा. लिक्विड पार्ट क्या है एंड सॉलिड पार्ट क्या है? सेल्स, ठीक है. और सॉलिड पार्ट में हमारे आ जाते हैं सेल्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज सेल्स और इनके क्या क्या नेम्स हैं. सो फर्स्ट इज आरबीसीज. जिनको हम और क्या कहते हैं, फुल फॉर्म है इनकी रेड ब्लड सेल्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. व्हाट दे आर कॉल्ड एज? नेक्स्ट आर WBCs. इनको क्या कहते हैं? और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. नाम है उनके बेटा सेम है, दे आर सेम. द थर्ड आर प्लाज्मा तो बता दिया मैंने लिक्विड में. प्लेटलेट्स, वेरी गुड. द थर्ड इज प्लेटलेट्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा आपके. ब्लड में एक प्लाज्मा है, वो फ्लूइड पार्ट बनाता है सारा, लिक्विड पार्ट है. उसके अंदर सेल्स हैं, दे आर आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. जो आपका प्लेटलेट काउंट कम होते हैं तो आपके ये प्लेटलेट्स कम हैं, ये वाले सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं. ओके, व्हेन योर एचबी इज लेस दैट मींस योर आरबीसीज दे आर लेस. ओके,
when you are more prone to diseases, then that means your WBCs they are less. Okay? तो हम इनके सारे functions भी पढ़ेंगे साथ साथ में. हाँ जी बेटा, different answers. Next, write down plasma. अब हम प्लाज्मा इन डिटेल डिस्कस करेंगे बेटा. चलिए राइट डाउन प्लाज्मा. मेन फ्लूइड पार्ट जो है वो ब्लड का ये है. दिस इज द मेन फ्लूइड पार्ट. लिक्विडी पार्ट जो है वो आपके ब्लड का ये है. कौन है? प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा. इसका कलर कौन सा होता है? इट इज येलोइश इन कलर. एंड इट कंटेन 90% ऑफ वॉटर. ठीक है जी. येलोइश कलर का होता है और उसमें इसमें मेन जो है कितना पानी है? 90. बॉडी का? हाँ जी. ठीक है. अब इसमें वाटर है तो डेट मीन्स ये किसमें हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन. तो आपका फूड, मिनरल्स, विटामिन्स, ऑल दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा. ठीक है. जो भी आपकी सारी चीजें हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, दे ऑल आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. ओके. तो मैंने क्या बोला है? जो आपकी बॉडी का वाटर है. ओके. आपकी बॉडी का वाटर है. आपकी बॉडी में जो फूड आपने डाइजेस्ट किया है, डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, दे ऑल आर ट्रांसपोर्टेड बाय. कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? इसके साथ साथ लिख लो, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते रहते हैं. आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, हार्मोन्स जो हैं, वो भी एक्सचेंज करते हैं ये. ठीक है. ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट. अलोंग विद दिस द प्रोटीन्स. आपकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, उनका भी एक्सचेंज ये करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक्सचेंज ये करते हैं. पढ़ा ना आपने कार्बोहाइड्रेट्स? ग्लूकोज इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने? Yes, कि जो आपका ग्लूकोज है दैट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. क्यों है? क्योंकि वो जल्दी ब्लड में मिक्स हो जाता है. मिक्स किस में होता है? ब्लड में. बोला था ना ब्लड में जल्दी मिक्स हो जाता है. तो ब्लड के किस कंपोनेंट में जल्दी मिक्स हो जाता है? प्लाज्मा. सबका एक ग्रेट रोल है बेटा. चलिए आगे लिखो. लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन नाउ. आरबीसीज. आरबीसी को और क्या कहते हैं बेटा? और एरिथ्रोसाइट. As their name suggests, they are of which color? Red. They are of red color. They are disc in shape. Disc shape के होते हैं, like this. ठीक है.
ऐसे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर एवरेज लाइफ स्पैन, यानी कि ये आपकी बॉडी में 120 डेज तक जो है वो रहते हैं, उसके बाद जो नए सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं. ओके, फॉर एन एवरेज टाइम ऑफ 120 डेज जो आरबीसीज हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज. 120 डेज के बाद आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जो न्यू आरबीसीज हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं. क्लियर? नाउ व्हाई दे आर रेड इन कलर? सो व्हाई दे आर रेड इन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन. ओके, सो व्हाई दे आर रेड इन कलर? दे इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन. ओके, now what is the function of RBCs? What is the function of RBCs? Hemoglobin है तो क्या करेगा? It provide? Very good. छोटी क्लासेस से यही पढ़ के आ रही हो कि हेमोग्लोबिन का क्या रोल है? ये नहीं पढ़ा कभी? ऑक्सीजन, इट बाइंड्स विद द हेमोग्लोबिन टू प्रोड्यूस हेमोग्लोबिन. इट गेट्स अटैच्ड विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्सीहेमोग्लोबिन. So this oxyhemoglobin, it is being transported to the whole body part through your blood. Okay? So इसी तरह आपके सारे body को क्या मिलती है? Oxygen मिलती है. RBCs कौन produce करता है? RBCs are produced by रेड बोन मैरो. आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो प्रोड्यूस करता है. ओके, इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसी होगी? फास्ट होगी के स्लो होगी? तो दैट मींस द आरबीसीज दे मल्टीप्लाई वेरी वेरी फास्ट. इसीलिए जब आप किसी को ब्लड डोनेट भी करते हो तो आपकी बॉडी में इमीडिएटली जो है वो नए सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. ओके, सो द रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ आरबीसीज इज देयर. इवन इफ यू डोनेट द ब्लड देन योर बॉडी इट कैन प्रोड्यूस मेनी मिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियन ऑफ सेल्स. ठीक है, अगेन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो बहुत कम टाइम में आपकी बॉडी जो है वो नए सेल्स आरबीसी जो है वो जनरेट कर सकती है. ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो. देयर मल्टीप्लीकेशन इज वेरी वेरी फास्ट. हर एक का एच बी डिफरेंट डिफरेंट होता है. ठीक है, तो वो विल इट विल डिपेंड कि आपकी बॉडी जो है वो कितने प्रोड्यूस कर रही है. नेक्स्ट राइट डाउन WBCs. WBCs आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स और राइट डाउन. जैसे रेड ब्लड सेल्स का कौन सा कलर था? इनका कौन सा कलर होगा? वाइट. ठीक है, और यू कैन से दे आर कलरलेस, कोई कलर नहीं है इनका. दे आर वाइट और कलरलेस. आगे लिखिए, दे आर इनकी कौन सी शेप थी?
दैट इज कॉन्स्टेंट, बट इनकी कोई शेप नहीं है रेगुलर वन, सो दे ऑलवेज चेंज देयर शेप, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग एनी इररेगुलर शेप. ये अपनी शेप बार बार चेंज करते रहते हैं, ओके, इसीलिए इनकी जो शेप है दैट इज. इनका साइज कैसा था? दे आर लार्ज इन साइज. इनका नंबर कितना है? नंबर बोला मैंने जो दे बेटा, इनका नंबर कितना है? आई एम सेइंग नंबर ऑफ आरबीसीज, हाउ मेनी नंबर ऑफ आरबीसीज आर देयर? मिलियंस एंड बिलियंस, ओके, बट देयर नंबर इज स्मॉल. ठीक है, डब्ल्यूबीसीज आपकी बॉडी में कम होते हैं, दे आर स्मॉल इन नंबर.